तो गाइस आप लोगों को बारिश के ब्लॉग में इतना ज्यादा मजा आया है लास्ट ब्लॉग में ना कि क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा मजे किए आप लोगों ने। मैंने कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स भी सारे के सारे पॉजिटिव थे एंड खूब इंजॉय किया। और लोग तो चाहते हैं ऐसे ब्लॉग डेली देखने को मिले, तो इतने सारे कमेंट्स मोटिवेट करने वाले थे एंड ऐसा मोटिवेशन आया है और अच्छे अच्छे वीडियोज लाने का आपके लिए कि भाई साहब यहाँ तो ट्रैफिक लग गया है। भैया रुक जा रुक जा, कौन है भैया, काहे ये कौन सी गाड़ी ले हो भैया, ले तो होंडा गाड़ी हो, व्हील कौन हो रहा गाड़ी किराए। तो आज फिर हम, बारिश हो रही थी हल्की हल्की तो हम निकल लिए हैं, लेकिन यहाँ तो ट्रैफिक ही लग गया है। अरे यार हमें निकाल लेने दो चचा, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, समबडी इज कॉलिंग मी। एंड गाइस ये क्राउड ज़्यादा दूर का है नहीं, ये क्राउड यहीं तक का है क्योंकि ये बीच में खुला हुआ है ना, तो इधर मुड़ने वालों की संख्या पता नहीं कैसे मोड़ते हैं साले, जाम लगा देते हैं एकदम। देख रहो इधर खाली है, अरे माँ की आँख क्या टायर बर्नआउट हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं मिला बारिश में भाई व्हीली के लिए। वैसे आज हमारा डीएल का काम हो चुका है, बस 3-4 दिन और रुकना है इंटरनेशनल ड्राइविंग के लिए। इंटरनेशनल जाके ऐसे 150-150, 200-200, 250-250, 300-300, देखो कितना कर पाते हैं यार, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तो पता नहीं। ऐसा पहला एक्सपीरियंस होगा हमारा, हम किसी और कंट्री में जाके मतलब समझ रहे हो ना गाड़ी चलाएंगे। एंड गाइस उस दिन जब मैं बारिश में भीगा ना तो मेरा लाखों का नुकसान हो गया, लाखों का नहीं लेकिन नुकसान हो गया। एक मेरा निकॉन का DSLR था उसमें पानी भर गया था, वो पूरा ख़राब हो गया। सेकंड मेरा GoPro 7 था, उसका पोर्ट खुला हुआ था जहाँ माइक अडाप्टर लगाते हैं, तो उससे उसमें पूरा पानी भर गया एंड वो ख़राब हो गया। सो ये दो चीज़ें तो मेन ख़राब हो गई, मेरा वॉलेट भी ख़राब ही हो गया। एंड अच्छा हुआ उसमें 360 पड़ा था बट वो पूरा सील्ड था तो वो बच गया, वो भी पानी में ही था लेकिन वो बच गया। उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मतलब मेन उम्मीद ये नहीं थी कि अगर पानी गिरेगा तो साइड साइड से गीला हो जाएगा, लेकिन जब मैंने बैग खोला तो उसमें आधे बैग में पानी भरा हुआ था, दैट्स वाई कि सारी चीज़ें ख़राब हो गई। पानी भरा तो बैग में लेकिन निकला नहीं। सो गाइस आज बारिश तो हुई है लेकिन उस कदर नहीं हुई है जैसे उस दिन हुई थी, समझ रहे हो। अभी रोड गीली है, आज पानी ज़्यादा नहीं भरा है, उस दिन तो एकदम गजब पानी भर गया था, ऐसा पानी भरा था कि मज़ा ही आ गई थी। लेकिन मेरा नुकसान हो गया वो अलग, आज खैर नुकसान नहीं होगा, आज हम जितनी भी चीज़ें लेके निकले हैं सब वाटर प्रूफ है, फ़ोन वाटर प्रूफ है, GoPro तो चलो इस उस दिन बच गया तो आज भी बच ही जाएगा, ऐसा सोचते हैं हम, उम्मीद करते हैं। देख रहे हो 5160 का एग्जॉस्ट, आधी रात हो रही है, बोम ओम ओम ओम, अभी आएगा अंडर पास है, अंडर पास में हम क्या करेंगे आपको पता है ना, पता तो होगा ही भाई, हर बार करते हैं यार, कोई नया नहीं है इसमें यार। ये आ गया अंडर पास, हम पानी है लेकिन यार छिट्टे ना पड़ जाए एकदम, अरे राम 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 राम, थोड़े बहुत छिट्टे पड़ेंगे तो दिक्कत है, पूरे पड़ जाए तो ठीक है। तेल खत्म, स्टार्ट नहीं हो रही, पानी चला गया पानी। स्पार्क प्लग खुले तो नहीं है, एग्जॉस्ट में गया पानी, एग्जॉस्ट में पानी गया, कहाँ गया, अच्छा टैंक में गया है, कार्बोरेटर में गया होगा, कार्बोरेटर लगा नहीं। स्टार्ट कैसे होती थी यार, हम लोग करते थे, स्पार्क प्लग तो लगा ही है, लगा लगा के धक्का लगा के होगी, धक्का लगा के होगी नहीं, जा सकती है, मे भी हो जाए, पॉसिबिलिटीज है शायद हो जाए, नहीं पेट्रोल है, एक बार धक्का लगा के आप ट्राई करो स्टार्ट करने की, गियर में ट्राई किया था मैं इसको, पहले दयाल दयाल तो कोचिंग कर लेते हैं, कौन करेगा टोचिंग, चलो टोचिंग कर दो, और कर दे रहा है भाई, क्या कर रहे हैं दयाल के लिए पता ना आप लोगों को, हाँ हाँ भाई, दयाल के साइड चौराहे पे जहाँ पे समझ गए, चलो भैया आधे रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो क्या होता है आप देख ही रहे हैं, तो बात से ले धक्का दे रहा है गाड़ी में, मदद कर रहा है, ये लोग आए थे ज्ञान देने,
फिर जब टोचन करने की बारी आई तो एक दूसरे का चेहरा देख रहे कौन करेगा, तुम कर पाओगे, तुम करो तो करो, नहीं हम जा रहे हैं, ऐसा होने लग गया। चलिए भैया ठीक है, तो इन लोग को यहाँ तक छोड़ दिया भाई। सो गाइज हम लोग यहाँ जनेश्वर के पास बैठ के चाय पी रहे थे, अचानक बारिश में हमारे हेलमेट गया पूरा भीग, अंदर तक पानी भर गया है, क्या ही बताएं अब, पूरा पानी ऐसे चू रहा है, ये देखो देख रहा हो पूरा गीला हो गया हेलमेट, बस ये गोप्रो ना खराब हुआ और नहीं इकलौता गोप्रो बचा है, एक गोप्रो ऑलरेडी खराब हो ही चुका है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। इसने चार अपाचे खरीदी हैं 160 सीसी वाली, वो चारों का इंजन एक में असेंबल कराएगा। सो गाइस जैसा कि आप लोग की इच्छा थी कि मैं बारिश में व्लॉग करूं, तो आज फिर बारिश शुरू हो गई है, बट यार अंधेरा हो चुका है, तो जितना नज़र आ रहा होगा उतना ही आ पाएगा, इससे ज़्यादा तो नज़र आएगा नहीं, अंधेरे में यही एक प्रॉब्लम है। बाकी बारिश में व्लॉग करने के लिए मैं निकल चुका हूं, हल्का फुल्का भीग गया हूं, हेलमेट भीग चुका है, एंड लेट्स सी वो मज़े लेते हैं। भाई अंधेरे में हेलमेट भी बंद नहीं किया जा रहा है, उजाला होता तो दिखता, इस टाइम रोड दिख ही नहीं रही है बिल्कुल, क्या दशा हो गई है। हेलमेट फिर से खोलना पड़ेगा, फिर आवाज आएगी, स्लो बड़बड़ बड़बड़ आवाज आएगी। ए मेरे भाई इस टाइम तो व्हीली भी नहीं मार सकते यार, टायर स्लिप कर रहा है बहुत गंदा, आंखें भी नहीं खुल रही है यार शीशा खोलने के बाद, तो क्या करूं मैं। हेलो हाँ मुझे बाइक मैंने आपको पहचान लिया। हाँ अच्छा हाँ बस निकले थे ऐसे ही थोड़ा बहुत। हाँ आप निकालो रे, इंटरनेशनल ट्रिप के लिए दो काम बचे हुए हैं, उन दोनों काम को मैं कल निपटाऊंगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं परसों इंटरनेशनल ट्रिप शुरू कर दूंगा, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं इस इंटरनेशनल ट्रिप पे हम लोग। मेरा वीज़ा भी आ चुका है, मेरा DL भी आ चुका है, ये दोनों काम हो चुके हैं, बस फ्लाइट बुक करना है, निकल जाना है। लेकिन उससे पहले कुछ शूट हैं जो मैं घर पे करूंगा, वो निपटाऊंगा। संतरा 15 वाला संतरा गाना, ये कौन सा गाना है, सॉन्ग है संतरा 15 वाला संतरा। ये पगला गया, इसको आधी आधी रात को दौरे आने लगे आजकल भाई। क्या बोल रहा तो मैं भूल ही गया। सो गाइस इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड होप कि नेक्स्ट व्लॉग धमाकेदार हो, एंड नेक्स्ट नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट वाला तो पक्का ही होना है, ये तो श्योर है। एंड वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, स्टोरी में अपडेटेड रहना है कि नहीं रहना है तो जल्दी जल्दी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे यार, बहुत तगड़ी स्टोरीज और रील्स आने वाली हैं।